तो उसका एक भी पैसा आपको देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। और वो 82 करोड़ का आपके ऊपर जो बर्डन था वो कैंसिल करके आज मैं यहाँ क्योंकि अगर एक सेक्टर में काम करना है, उसको बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए। और जो काम आपने उसको कहा था उसमें आपकी कोई गलती नहीं। जब ये कोई हुआ था, ये रजिस्ट्रेशन हुआ था, ये कोई सबका सब चल रहा था, तब उसका इस्टीमेट 10 करोड़ था और हमारे अधिकारी बंदों ने वो जो इस्टीमेट है वो 100 करोड़ तक दे दिए। तो हमारे लोग भी क्या कर सकते हैं आपने देखा, लेकिन मिनिस्टर क्या कर सकते हैं ये भी आपने देखा। तो इसलिए ये जो डेथ एंड गरीबी का अपना पार्ट है वो बहुत बड़ा देश में होना चाहिए। और मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आपको रूरल एरियाज में लेके जाना है और रूरल एरिया में लेके जाके जो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो क्रिएट करना चाहिए, इसको मैंने आपको विनती की थी। और मुझको पता है कि आप वो अभी मैंने तो 82 करोड़ माफ कर दिए, तो मैंने जो विनती की है उसका आप स्वीकार करोगे और मेरे कॉन्स्टिट्यूंस में आओगे। तो मैंने ये सब लोगों को बोला था कि आज हम मेट्रो सिटीज में ये सब कर रहे हैं, मेट्रो सिटीज में इसका इसको बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अगर हम रूरल एरिया में जाते हैं तो वहाँ भी ऐसे अनेक लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए वहाँ अगर स्किल सेंटर डालना पड़ेगा तो MIDC की तरफ से डालेंगे और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो बना के आपके पास जल्दी उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो आज आपसे मेरी विनती इसकी हो कि आपने जो मेरे को, मैंने तो आपकी कमिटमेंट पूरी कर दी, 25 कमिटमेंट अभी आपने जो मेरे को कमिटमेंट दी थी कि आप रूरल एरिया में आके महाराष्ट्र के जो रूरल जिले हैं, रूरल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी ये जेम्स एंड ज्वेलरी का जो आपका बिजनेस है वो आप बढ़ाओगे ऐसा आपने उसको कहा था, तो उसकी भी याद आपको रहनी चाहिए, वो भी आप काम करिए। तो मेरी विनती है अभी महाराष्ट्र राज्य के DCM देवेंद्र जी भी वहाँ बता रहे हैं, जिसको रायगढ़ में दूसरा कार्यक्रम है, लेकिन एक अच्छे कार्यक्रम को देखने का अवसर आप सब ने मुझको दिया है, इसलिए मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। और ये जेम्स एंड ज्वेलरी देश का सबसे बड़ा बने इसलिए गवर्नमेंट आपके साथ है, ये आपके करके मैं आपकी रजा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you.